विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत विभाग के मीटर रीडर कार्य बहिष्कार का प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विद्युत मजदूरी पंचायत उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संगठन मंत्री संदीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारी संख्या में मीटर रीडरों ने प्रदर्शन किया। प्रांतीय मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की ज्वाइनिंग लेटर ईपीएफ और श्रम विभाग द्वारा निर्धारित बेसिक सैलरी निर्धारित समय से नहीं मिल रहा है। पिछली कंपनी भी कर्मचारियों को 2 महीने की सैलरी लेकर भाग गई है। विद्युत कर्मचारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है। जब तक हमारा शोषण बंद नहीं होगा तब तक हम काम पर वापस नहीं जाएंगे। इस अवसर पर भारी संख्या में मीटर रीडर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संगठन मंत्री संदीप श्रीवास्तव ने कहा, हमारी ये मांग है मीटर रीडर लोगों से 2 महीने पहले अधीक्षक अभियंता और मैनेजर से बात हुई थी जो कंपनी काम करा रही है, उसने तय किया था कि 4 रुपया 20 पैसा 2 महीने के लिए तय किया जा रहा है, उसमें भी वो खरा नहीं उतर रहे हैं। और उन्होंने कि जो लड़के 1100 बिल निकाले हैं उनका 300 बिल का पैसा उनके खाते में आया है, मतलब इनका कोई भी तय तमाम नहीं हो रहा है, ना तो इनको आईडी प्रूफ दिया गया है, ना तो इनका कहीं ईपीएफ का खाता खुला है भी, ना इनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया गया। हमारी मांग है, हमारा उनसे समझौता अभी आए थे मैनेजर, वो कहें कि आपकी बात को हम रखेंगे, अभी 1 घंटे बाद बात करेंगे। और हमने कहा पहले इनकी सैलरी तय होनी चाहिए, जो न्यूनतम वेज है, ये स्किल्ड का काम करते हैं, स्किल्ड का काम करते हैं कुशल, तो कुशल की सैलरी है वो 12,000 कुछ रुपए के समथिंग है, जो श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन तय हुआ अभी शासन से, तो हम उस पर मांग पे अड़े हुए हैं। ये नहीं टारगेट नहीं कि 2000 ये बिल निकालेंगे तो इनको 8000 रुपये, टारगेट इनका 1400-1200 जो भी तय होगा, लेकिन इनको न्यूनतम वेतन इनको मिलना चाहिए, और इनका ईपीएफ खुलना चाहिए, और इनका श्रम विभाग में पंजीकरण होना चाहिए, इनको आईडी मिलना चाहिए। ये मांग पूरी होगी तो ये मीटर रीडर काम करेंगे, नहीं तो कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। संदीप श्रीवास्तव, विद्युत मजदूर पंचायत, प्रांतीय संगठन मंत्री।